वायरल होते हैं। वो मरियम नवाज ने जो कल जो बयान दिया है, इमरान खान साहब मुझे नानी नानी कहते हैं, अगर वो भी अपनी जिंदगी में जो फैसले वो अच्छे कर लेते तो वो भी नाना और दादा होते। तो इसी सवाल से नहीं, तो अपनी जिंदगी में क्या फैसले सही कर लेता? वो छोटी उम्र में घर से भाग जाता, उसके पास करने को कोई और काम नहीं था, मतलब उसके पास एक पूरा करियर था, उसने करियर बनाया, जब वो सेटल हुआ था तब शादी की। उसको क्या ऐसी इमरजेंसी थी कि उसको लगता था कोई और मुझे मिलेगा नहीं तो मैं कोई काम वाली या ड्राइवर फंसा लूं, जैसा तुम्हें लगता था? उसको नहीं लगता था, तुम्हारे अपने मसले थे, उसके नहीं थे। ऐसे तो उनके जैसी जो जितना सही फैसले वो अल्लाह किसी से ना कराए। अब जिसमें आगे सफाइयां देनी पड़ेगी, मेरे दादा दादी और मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कराई थी धूमधाम से, वो किस चीज की धूम थी और किस बात की धाम थी वो सबको पता है। तो जो फनकारियां ना वो अब चलेंगी नहीं, क्योंकि अब 1980 वाली आवाम नहीं है, 2023 वाली है। अब आवाम सवाल कर रही है कि जिनके साथ मटक मटक के पूरे पाकिस्तान में घूम रही हो, इनमें से तुम्हारा महरम कौन? तुम्हारा बाप फरार, तुम्हारे भाई फरार, तुम्हारा शौहर कभी तुम्हारे साथ नहीं होता, जिनको साथ लटका के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मुनीर शाह। हमारा जो ये सेगमेंट है, मैं आप और सोशल मीडिया, या सोशल मीडिया से चौंधी चौंधी खबरें। ये जो मोहतरमा थी, ये सनम जवेद साहिबा थी, फलक की बहन है ये। इन्होंने टिकटॉक का माल, मैंने ये कहा था ना कि जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं टिकटॉकर, उनमें से जो है ना वह आपका तारफ भी करवाया जाएगा, ताकि आप ये देखें कि ये किस तरह जामफशानी से काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इसके साथ एक तड़का भी लगा दे, काजी सराज इलाका और दुम चला तिरछी टोपी वाला अमेरिकन एजेंट है, पेंटागन का एजेंट। आप कहो कि यह तो हर एक कह देना, कोई इसका एक काम जमात सलामी का 1947 से आज तक कोई एक काम बता देना जो एंटी अमेरिका हुआ हो। बोलता है ऊपर से, कोई इसका अमल, ऐसा कोई काम मुझे बता देना जो एंटी अमेरिका हुआ हो, कुछ नहीं हुआ होएगा। ये उम्रे पे गए जी, कभी किसके खाते से। तो ये सलीम साफी साहब की मैं ये फोटो दिखा रहा हूँ, इस दफा पीपल पार्टी के खाते से चले गए। तो ये इनका जहां भी मार्केट में मिले ना, बदतमीजी नहीं करनी कि सर जी आप तो पहले जब जाते थे पिछली गवर्नमेंट में, माइक ले के पकड़ पकड़ के उधर जाते थे, मंडियों के हाल पूछते थे, अब किधर गए? अब महंगाई, आपके पेट्रोल कौन पेरे कर रहे हैं, इनके बिल मरियम औरंगजेब जमा करवाती है। तो ये जनाब अली, ये जो लास्ट में जिसके ऊपर रेड कलर का मार्क है, इसका नाम है सलीम लफाफी, जो हमेशा इमरान खान के खिलाफ भौंकता रहता है कुत्ते की तरह, कुत्ता कहूंगा मैं इसको। ये बंदा कहता था कि इमरान खान की माँ जिंदा नहीं है, मेरे लिए मेरी माँ दुआ करने के लिए जिंदा है, तेरी एक माँ तेरे लिए है, लेकिन उसके साथ 22 करोड़ अवाम की माँ की दुआएं हैं, तो नसीब वाला कौन हुआ, तू या वो? उसके बाद तूने कहा था इमरान खान अगर इक्तदार से निकलेगा तो लंदन भाग जाएगा, ठीक है? वो तो लंदन नहीं भागा, वो तो डट के खड़ा है इनके सामने, उसने गोलियां भी खाई है, मुकाबला कर रहा है इनका, ठीक है? तुम बताओ, जो तुम्हारे आगे कुत्ते के आगे हड्डियां फेंकते हैं, ठीक है, तुम्हारे नजायज बाप, वो कब से लंदन जाके भगोड़ा बैठा हुआ है उसके? आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। जो ये शॉर्ट फिल्म जो देख रहे हैं, तो वो YouTube पे जाके मेरा पूरा देखें, और उसके बाद और भी बड़ा कुछ मिलेगा, इन्फॉर्मेशन भी पूरी मिलेगी। एक दुम छल्ला सो तस भी पढ़ रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये शुभाष शरीफ, इन्होंने बताया जी तस्वीर पढ़ रहा है, जो बीच में पीछे बाजा बोल रहा था, इस वजह से मैं हटा दिया। मैंने कहा आज भी सऊदी अरब भी कहा कि बाजा बंद करने का तरीका मुझे बताओ कि ये क्या होता, फिर लोगों को आपको ज्यादा तफरी और तबाह के साथ हमने करना है। एक इसके बाद अपने भी कमेंट्स आ रही है, वहाँ कभी कभी महीने में एक या दो मरतबा जाके हम खाते थे और जमीन पे बैठ के। वो एक अरब पति दादा के होते हैं, हम कोठे पे खेलते थे। दुनिया चे अंधे असि तबले शबले वेखे, तूतियां ते नाल नाल वाजे वाजदे वेखे, मेरा सी मेरा प्यो मेरा। ये वाजा बीच में बोल गया, इस वजह से मैं नहीं दिखा सकता। भेजने वालों को गुजारिश है कि अगर भी भेज दें कि आपकी भेजी हुई चीज़ आपके नाम से आए, वाजा बंद करके भेजना, वरना जो है ना
नामुमकिन है। मैं फिर जो उनको गालियाँ देता हूँ फिर बेचने वाले को भी दूंगा। आज भी मैंने सुबह सुबह एक के कान परोड़े कि बाजा बंद कर। मंसूर अली खान पुछदा पिया ते जनाब सजा जड़ी गिलास नु पी देनी, कदी तू ऐ रखया कदी तू ऐ रखया, कदी तू खाली गिलास नु मुंह नाल पी लेनी, वे शाही कोई नहीं तेरे पीन दे अंदाज ते पता पे लगदा बे खाली गिलास है। ते गिलास नु सजा दे के ते लबना की है सारी मुसीबत करप्शन दी, करप्शन कीती ते जदो सवाल कोई सीधा आ गया जनाब मौत पै गई। एदे रख एदे रख एदे रख ये पब्लिक वहां पे बता रहा हूँ कि बड़े अच्छी तरह क्लास ली जाती है और सारे रजा कराना। तो फिर मैं हैरान हूँ जरदारी को भी यही रिपोर्ट आ होता है कि उसको पीटीआई वाले 20,000 रुपया देते हैं महीना, किसी को 50,000 देते हैं, किसी को क्या देते हैं, लेकिन अपनी समझ से बाहर है, किसी को नहीं ये मिलता। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, वहां पे अंदर से कुछ नहीं आता। वो जो बाहर अफतारी करते हैं ना वो रजा कराना तौर पे, ये मैं बता रहा हूँ कि मम्मी डैडी लड़कियाँ लड़के वो जाके वहाँ पे पकाते हैं खाते हैं बांटते हैं। फिर मुझे कहते हो गरजती क्यों है, फिर गरजना पड़ता है। अल्लाह मैंने रोक दिया, मैंने रोक के बोला है। पसीने आ गए वो आने ही थे, अब मेहनत करेंगे तो उसका पल भी तो मिलना है ना। कितने घर कुरान के लिए पराठे बनाती हैं? 500 लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 250 से शुरू किया था माशाल्लाह बढ़ के। रिसेंट फैमिली है, मॉडर्न फैमिली है, ऐसी फैमिली से घरों में नौकर रखे होते हैं, घर भी काम मुश्किल से करें। अभी भी घर में नौकर है अल्हम्दुलिल्लाह, खुद यहाँ पर आके काम करें, यहाँ पर आके काम करें, क्योंकि इसमें अपनी मोहब्बत शामिल करनी है, अपने भाइयों को शो नहीं कराना कि वो परदेश में है, वो दूर है अपने घरों से। मुझे सिर्फ इतना बता, हम लेके वो खुद मिक्स करते हैं अपनी वीट से। हम आप अभी अंडे वगैरह तोड़े थे घर में भी, आप कह रहे कुछ मूड हो तो काम कर लेते हैं। हमारी जो है पराठे संभाले हुए हैं और हमने जो जेंट्स सेक्शन है इसमें चाय और ऑमलेट संभाला हुआ है। सर बेहतरीन है ये वाला, क्या कह रही है? मैंने कहा ये दोनों आइटम इन्हीं को पसंद है, पसंद है और ऑमलेट भी। वही ना, तो वो धुएं वाली साइड पे आपको लगाया, वहाँ पे जरा नॉर्मल है, वहाँ पे वो जरा हल्का फुल्का काम कर सकते हैं ना, उनको भी हमने एहसान किया हुआ। मैं कहा चले रमजान है, क्या तंग करना है इनको भी। जमात बार भी इस वक्त मौजूद है, कैसी फैमिली से आपकी मुलाकात करवाएंगे? हर मुहाज पे आपको लड़की नजर आएगी, लिबर्टी हो, डी चौक हो, 25 मई हो, 18 मार्च हो, कहीं भी हो हर मुहाज पे नजर आएगी। लेकिन अगर खाने की बात की जाए तो पीछे नहीं है। ये हिना जिशान नौरीन उसकी बहू है, उसकी बेटी भी है वहाँ पे। इनको वो एक बगैरत का बच्चा पीप का ड्रम कहता है जी तितलियाँ, और बगैर किसी उसके आई हुई मैदान जंग में, अगर मैं तरीकियाँ बताऊँगा मेरे बाद लोग नाराज़ हो जाते हैं कि हालत जंग में है इस वक्त, तो अपनी फैमिली लेके आई हुई और चंगी खांदे पींदे घर से हैं। वो कोई कह रहा था ना मलिक रियाज दे रहा है, वहाँ पे कोई कहता वो इसराइल दे रहा है, इन्होंने कहा था पिछले जुमे में कहा लाहौल वाला कुवत कि वो इसराइल से इनकी मदद आ रही, जो वहाँ पे अफतारियाँ हो रही हैं वगैरह वगैरह। ये है जी उनको कि जाके अक्ल के अंधों को, जैसा इसका बाप था वो अमेरिका का एजेंट था मुदूदी, उसका ये आगे बेटा निकला आया, तो जनाब अल्लाह अल्लाह खैर सलाम मुदूदी नहीं मुफ्ती महमूद मुदूदी, वो भी अमेरिका का जमात इस्लामी का था एजेंट। चीफ जस्टिस साहब बगैर चीफ जस्टिस साहब दोनों तरफ से लिथर पड़ रहे, दोनों तरफ से उन्होंने जो इस वजह से बगैरत कह रहा हूँ, जो उसने अप्रैल 2022 में जो काम किया था ना, वो जाटों वाला काम था तो ना अब ये जाटों वाला कर रहा। उसने कहा था एक लाइन में लिख के लाओ पैसे मिल गए कि नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 18 सफात का जवाब दिया, उसके नीचे 1970 में ये हुआ था फलाना हुआ था, 70,000 बंदे हैं हमें 4.5 लाख, 4.5 लाख उन पहले भी कहा था वहाँ पे सिर्फ 40% पोलिंग बहुत सेंसिटिव है, वहाँ से पुलिस नेवी से मंगवा लो या इधर से मंगवा लो एयरफोर्स से या किसी दूसरे सूबे से मंगवा लो, लेकिन नहीं उसने 18 सफात का भेजा, क्योंकि उसको श्योरिटी दी हुई कि तेरा से रिजाइन करवाएंगे तो फिर भी तुझे अच्छी सीट देंगे, और अगर तू डिसक्वालीफाई हो गया तो काजी आ रहा बढ़वा। तो मैं अभी कलात के ऊपर कर रहा हूँ, जहाँ के ये कलात डिवीज़न अयूब खान डंडे के जोर पर शामिल करवाई थी, क्यों करवाई थी वो बताएंगे, तो ये सारे उधर के ही हैं कलाती है कहने।
अच्छा सबसे बड़ी स्टेट थी और सबसे आखिर में 1956 में कलात पाकिस्तान में शामिल हुआ। अच्छा जी, तो 4.5 लाख रुपये बंदा दोगे, 4.5 लाख बंदा दोगे तो मैंने इलेक्शन कराना और मैं कश्तों खून हो जाएगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी, मैं जिम्मेदारी कहाँ। ये पिछले साल इसने जब कहा था, फवाद चौधरी ने कहा तो अंदर देखा तो पता नहीं मोरी में से गुजर गया था, चीफ जस्टिस के कमरे से अंदर बैठा हुआ था। ये इसने कहा था जी मैं अगस्त अक्टूबर तक इलेक्शन करा दूंगा 2022। चला जी, अब इसने खुद कहा अक्टूबर में करा देंगे, अब ये अक्टूबर से भी भाग रहा है। लेकिन क्योंकि माफिया छाया हुआ तो नदीम मलिक की हुकूमत है, उसको कैद करके रखा हुआ। कल एक रिटायर जनरल का मैं बयान सुन रहा था, वो कहता है नदीम मलिक ने इन्हू कैद करके रखा। एक और ये सुना देते हैं, इंडिया लॉन्च फर्स्ट फुली मेड इन इंडिया मर्सिडीज इलेक्ट्रिक 850 किलोमीटर ऑन सिंगल कैरेज वगैरह वगैरह। ये उन्होंने कर, मर्सिडी का पहले भी था और पाकिस्तान की मर्सिडी भी वहाँ जाती थी, मैं याद है कि स्पेशल वीज़ा लगता था उसके लिए जब सख्ती भी बॉर्डर पे होती थी। लेकिन इन लल्ले तल्लों की मर्सिडियाँ वहाँ जाके होती थी। हमारे एक जिगर जान है दोस्त हैं, ये जनाब ने हम 75 साल से रो कौम को बेवकूफ़ बना रहे, कौम की बताएं भारत हमारा अजली दुश्मन है और हमने कश्मीर फतह करना था, वो इकोनॉमिक्स पता की जा रही है वाले अच्छी है, तुर्की ने भी बनाई हुई है लेकिन इंडिया ने पहले बना ली, तो बड़ा लेज मर्सिडी का नाम इस्तेमाल हो रहा है, जर्मन की है तो फिर क्यों ना। हमारा एक दोस्त है, मैंने बड़ी जल्दी आई वो खबर, बहुत जल्दी बहुत तेज आई, वो हसन अली साहब, उनका बड़ा भाई था, बहुत बड़ा मर्सिडी का था, वो अमेरिका में होते हैं। तो वो जब पाकिस्तान में मर्सिडी का इन लाहौर में था, LOS चौक के करीब ये वाली इसकी वर्कशॉप थी, तो वर्कशॉप भी कादियानियों की थी, फिर वो सिर्फ वहाँ मर्सिडी ठीक होने आती थी, या वहाँ का कारीगर वो जाता था, एजाज में रखा उसका नाम था, वो इस्लामाबाद जाता था, वहाँ ने सदर वज़ीर आज़म ये वो सब कुछ अपना टीन डब्बा लेके ठीक करता कराता था। जब कोई ख़ास किस्म के आता था तो फिर मर्सिडी की वर्कशॉप इंडिया में थी, फिर इंडिया का वीज़ा मिलता था कि हमने गाड़ी ठीक कराने करवाने। एक दो दफ़ा इंडिया का मकैनिक भी इधर आया, उसको ट्रेन करके गया। अच्छा जी, एक ये और है, उसमें उमरेश पुरी नील कपूर को जो एक दिन का वजीर आला बनाता है, बहुत अच्छा, लेकिन बीच में वाजा मैं क्या करा लग जाएगा तो इसको मैं नहीं सुना सकता, आवाज़ बंद करके भेजा करूँ, बहुत अच्छा है कि बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे उस फिल्म में, फिल्म का मुझे नाम कोई नहीं पता, एक दिन का वजीर आला था, वो माफिया जो है ना उसमें जो अमरीश पुरी ने किरदार अदा किया बिल्कुल ऐसा ही किरदार अदा कर रहे हैं। अखीर पे आपके एक तफरी तबाह के लिए टूटियाँ कान में लगा लीजिए, सुनाया ज़रूर जाएगा, 18+ है सिर्फ बालकों के लिए। ये गाली थी, खप्पे चपा, खप्पे खप्पे खप्पे, ये वो खप्पे है, पब्लिक सेंटीमेंट था, तो मैंने कहा आपको ज़रूर बताया जाए। सोशल मीडिया की दूसरी किस्त आएगी जी अब से ठीक 6 घंटे बाद, ये यूनिफॉर्म मैंने पहना है, काम पे जा रहा हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद।